नमस्ते चांदनी राइट माय रोल आउट एक्सप्लोर लेट्स सी ओके चांदनी हमारा चैप्टर का नाम तो चांदनी चैप्टर का वो सेंट्रल कैरेक्टर या कौन केंद्र पात्र कौन है मैम चांदनी 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 के बारे में क्या क्या पता है गुड मॉर्निंग वो एक गुड आफ्टरनून वो एक हाउ आर एक लड़की है देन वो व्हाट अबाउट चांदनी का वो गांव का क्या नाम है रामगढ़ देन वो रामगढ़ का क्या स्पेशलिटी है रामगढ़ का क्या स्पेशलिटी है रामगढ़ गांव का वो पेड़ों से घिरा है चारों देन एक छोटा सा गांव है राइट यस मैम यस वो कितने इयर्स ओल्ड है चांदनी सेकंड पैराग्राफ स्टार्टिंग दस ग्यारह इयर्स ओल्ड है ओके एक दिन वो किसका चित्र देखा अखबार में ओके डॉक्टर किरण बेदी का चित्र कहाँ देखा चांदनी अखबार में ओके किरण बेदी के बारे में कक्षा में कौन बताया अध्यापक ने बताया अध्यापक ने बताया ओके अध्यापक ने किरण बेदी के बारे में बताते समय वो उनका सपना क्या हो गया दृढ़ हो गया हाँ सुदृढ़ हो गया बारे देन घर लौट का वो घर या हमारा होम वापस आकर उन्होंने किससे बताया ये मैटर उनके माता से बताया सो अम्मा ने क्या कहा हाँ ये से सपना है मत देखो ये असंभव है क्या है असंभव आकाश की ऊंचाई छूने की कोशिश करना व्यर्थ है क्या है वह यूज़लेस यस आई थिंक यू राइट राइट फर्स्ट थ्री पैराग्राफ ओवर राइट यस ओके देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन में देखिए अदरवाइज माय बुक नॉट टेक्स्ट बुक आपका टेक्स्ट बुक में ओके देखिए बच्चों लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज लास्ट पैराग्राफ राइट यस मैम चांद का कहना है ओके चांद का डायलॉग है चांद माँ तुम मुझे चांद बुलाती हो और आसमान की ऊंचाई छूने को मना करती हो आखिर मैं बड़ी होकर पुलिस अफसर क्यों नहीं बन सकती एक क्वेश्चन देखिए एक और बार देखिए चांद माँ अम्मा तुम मुझे चांद बुलाती हो क्या है बुलाना अम्मा चांद चांदनी को क्या बुलाती है चांद बुलाती है चांद अम्मा अम्मा चांदनी को एक पेट नेम के रूप में एक नेम के रूप में क्या बुलाती है चांद बुलाती है चांदनी कहती है अम्मा तुम मुझे चांद बुलाती हो और आसमान की ऊंचाई क्या है आसमान की ऊंचाई हाइट मैम द स्काई द स्काई स्काई का वो हाइट राइट यस ऊंचाई माने हाइट चूने को चूना माने टच करना टू टच मना करती हो मना करना माने क्या है कोई प्रमोटिंग नहीं देना कोई मोटिवेशन नहीं देना वो मना करना रिफ्यूज करना
आखिर में बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती? Why can't I? एक पुलिस ऑफिसर आखिर माने at last, अंत में, at last. बड़ी होकर पुलिस अफसर माने पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती मैम? व्हाई कांट आई? व्हाई नॉट? व्हाई कांट आई क्या है हमारा? बीए पुलिस ऑफिसर. हां यस, बीए पुलिस ऑफिसर बनना इट्स फॉर मी इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. तो ये चांदनी का कहना है, चांदनी का डायलॉग है. द लास्ट फर्स्ट पेज लास्ट पैराग्राफ एक और बार देखिए. मां तुम मुझे चांद बुलाती हो. अम्मा यू आर कॉलिंग, व्हाट यू आर कॉलिंग? अच्छा चांद प्रगा यू आर कॉलिंग. और आसमान की ऊंचाई को मना करती हो. और यू आर ओनली, ये क्या है? वो आसमान की ऊंचाई, वो हाईएस्ट को टच करने के लिए आप कोई मोटिवेशन नहीं देता है, आप रिफ्यूज करते हैं. अगर मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती? व्हाई कांट आई? व्हाई कांट आई बी अ पुलिस ऑफिसर? यस. अगर मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती? तो मेरे लिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, आई कैन. इस प्रकार कहते हैं कौन? चांदनी. टू नेक्स्ट पेज. So this page is okay, right? Ma'am. Yes, ma'am. Today I will give chance for reading, okay? मैंने कहा था ना every day at least one page you read Hindi textbook का, okay? Otherwise very difficult. Ma'am, so reading means the next page or before page? Today I will tell you. Starting onwards you can read. Okay. Now I'm moving to next paragraph. देखिए next page. Page number. अम्मा का कहना है पेज नंबर 7. माँ बेटे घर में खाना बनाने के लिए मैं रोज जंगल से लकड़ी लाती हूँ. अम्मा का डायलॉग है बेटी घर में खाना बनाने के लिए. क्या है खाना बनाना? मैम फॉर ईटिंग, टू मेक फूड, मेक फूड मेक करने के लिए. मैं रोज, रोज माने डेली, रोज डेली जंगल से, फ्रॉम द फॉरेस्ट यस, जंगल से मींस फ्रॉम द फॉरेस्ट, डेली फॉरेस्ट से लकड़ी माने वुड wood. मैम वुड फ्रॉम द ट्रीज? यस. वुड लाती हूँ, लाती माने ब्रिंग, मैम कैरी एंड ब्रिंग. हाँ कैरी एंड. वो लाइन एक बार देखिए. माँ बेटी घर में खाना बनाने के लिए मैं रोज जंगल से लकड़ी लाती हूँ. एवरी डे खाना या फूड प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? इसके लिए एवरी डे वो क्या है, जंगल से या फॉरेस्ट से क्या लाना चाहिए? लकड़ी या वुड लाना चाहिए? लकड़ी. देन बाजार में बेचती हूँ. आफ्टर लाकर क्या है? बाजार, मार्केट. बेचना माने सेल. प्लीज यू डोंट नो, प्लीज राइट द मीनिंग. टू सेल, बेचती, टू सेल, सेल. तब दो वक्त की रोटी, दो वक्त माने टू टाइम्स, मॉर्निंग एंड नाइट. टू टाइम्स मीन्स दो समय, टू टाइम्स, दो वक्त की रोटी. रोटी माने फूड, वो चपाती फूड, रोटी. यस. मुश्किल से, मुश्किल माने डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मुश्किल माने डिफिकल्ट, डिफिकल्ट. जुड़ पाती है, जुड़ पाना माने प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर. हियर क्या है इसका मीनिंग? आई विल रीड द लाइन अगेन. मैम टू फिक्स, मैम टू फिक्स. एक और बार देखिए. माँ बेटी घर में खाना बनाने के लिए मैं रोज जंगल से लकड़ी लाती हूँ.
ये मेरा डॉटर है, मेरा लड़की, मेरा बेटी, एवरी डे क्या है घर में कुछ फूड प्रिपेयर करने के लिए किस क्या करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, फॉरेस्ट में जाना चाहिए, फॉरेस्ट में जाकर वहां क्या, वहां से क्या कलेक्ट करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, लकड़ी लाना चाहिए, आप पता है क्या करना चाहिए वो लकड़ी को बाजार या मार्केट में बेचना चाहिए, बाजार में बेचती हूँ। तो इस प्रकार बेचने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा, पैसा मिलेगा। मीन्स वो लकड़ी है। क्या है घर में खाना बनाने के लिए रोज जंगल से लकड़ी लाना चाहिए, क्योंकि वो लकड़ी लाकर वो मार्केट में सेल करना चाहिए। सेल करने से क्या है फूड प्रिपेयर करने के लिए, फूड के लिए कुछ क्या है वो रोटी बनाने के लिए सामान चाहिए, राइट, चपाती एंड व्हीट एंड व्हीट फ्लोर एंड चाहिए, राइट, ये बना ये के लिए क्या है वे पैसा चाहिए। तो बाजार में वे वो बेचती है। तब दो वक्त की रोटी, टू टाइम्स ओनली, टू टाइम्स मे बी मॉर्निंग एंड इवनिंग दे आर हैविंग फूड। तो दो वक्त की रोटी मुश्किल से, वेरी डिफिकल्ट से दे आर कलेक्टिंग, जुड़ पाती है, जुड़ पाना माने कलेक्ट करना, सेव करना। तब दो वक्त की रोटी वेरी डिफिकल्ट से दे आर कलेक्ट करती, दो वक्त की वो रोटी बड़ी मुश्किल से दे आर देती। तो वो पैसा के लिए क्या करती है वे लोग, जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर लकड़ी लाती है, वो लकड़ी बाजार में बेचती है, लकड़ी बेचने से क्या मिलता है, पैसा, बाजार में, हाँ बाजार में सेल करके, हाँ सेल करने के बाद क्या मिलता है, पैसा, पैसा मिला, पैसा, पैसा मिलता, मिलने से उन्हें दो एक एक दिन टू टाइम्स खाना खाने के लिए उनको रोटी बनाने के लिए पैसा मिलता है। ओके, तो एक ये दिन ये अम्मा पूछती है क्या है, नेक्स्ट लाइन देखिए, अंडरलाइन करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन प्लीज अंडरलाइन, सेकंड लाइन राइट साइड, तुम्हें उच्च शिक्षा, तुम्हें उच्च शिक्षा कहाँ से दिला पाऊंगी, उच्च शिक्षा माने हायर एजुकेशन, प्लीज राइट द मीनिंग, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, एजुकेशन उच्च माने हाई, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर द मनी विल गेट, हाँ दिला पाऊंगी, फ्रॉम वेयर वी विल गेट, उच्च शिक्षा एंड ऑल आपको कहाँ से मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलने के लिए क्या जरूरत है बच्चों, पैसा, राइट, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाना चाहिए, देन या टेंथ के बाद प्लस वन प्लस टू आफ्टर देन कॉलेज, इसमें बहुत सारे पैसा की जरूरत है, लेकिन ये पैसा उनके पास नहीं है, वे पुअर है, राइट, गरीब लोग। सो अम्मा इज आस्किंग क्या है, तुम्हें उच्च शिक्षा कहाँ से दिला पाऊंगी, आपको हायर एजुकेशन फ्रॉम वेयर यू विल गेट, ओके, नेक्स्ट लाइन आल्सो प्लीज अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम आठवीं कक्षा, बच्चों प्लीज म्यूट योर ऑडियंस, तुम आठवीं कक्षा, आठवीं कक्षा माने हायर एजुकेशन, सॉरी एट्थ स्टैंडर्ड, तुम आठवीं कक्षा, आठवीं माने एट्थ कक्षा माने क्लास, मैम टिल एट्थ क्लास, हाँ टिल एट्थ क्लास, तक माने टिल, टी आई डबल एल, टिल पढ़ लो, टिल एट्थ क्लास यू कैन स्टडी, यू कैन स्टडी, मैम टिल एट्थ क्लास यू शुड स्टडी, हाँ टिल एट्थ स्टैंडर्ड यू कैन स्टडी, नो प्रॉब्लम, यही मेरे लिए बहुत है, क्या है यही मेरे लिए बहुत है, मैम मींस टिल दैट इज आल्सो टू मच फॉर मी, हाँ दिस इज टू मच फॉर मी, एट्थ स्टैंडर्ड क्या है, इट्स टू मच फॉर मी, टिल एट्थ स्टैंडर्ड यू स्टडी फॉर मी, नो प्रॉब्लम, till 8th standard enough, this is too much for me, okay, oh this is too next much for me,
यही मेरे लिए बहुत है माने दिस इज टू मच फॉर मी. सो द पैराग्राफ अगेन देखिए बच्चों. माँ बेटी घर में खाना बनाने के लिए मैं रोज जंगल से लकड़ी लाती हूँ. बेटी एवरी डे खाना बनाने के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या है फॉरेस्ट से वुड लाना चाहिए कलेक्ट करना चाहिए. ये वुड कहाँ बेचना चाहिए मार्केट में बेचना चाहिए. मार्केट में बेचने के बाद दो समय खाने के लिए रोटी मिलेगी. दो समय वी कैन हैव मेबी मॉर्निंग एंड इवनिंग. देन क्या है तुम्हें उच्च शिक्षा कहाँ से दिला पाऊंगी. तुम्हें हायर एजुकेशन देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. हायर एजुकेशन फ्रॉम वेयर यू विल गेट इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है. डू वन थिंग टिल 8th स्टैंडर्ड यू स्टडी दिस इज टू मच फॉर मी. किसने कहा हु सेड दिस. मां ने बताया. माने किस से बताया चांदनी से या चांदनी से बताया. ओके मूविंग टू नेक्स्ट लाइन. चांद का कहना है देखिए. माँ प्लीज अंडरलाइन बच्चों फुल लाइन अंडरलाइन करो. वो चांदनी का फुल सेंड फुल डायलॉग. माँ मैं परिश्रम करूंगी. परिश्रम माने हार्ड वर्क. आई विल डू हार्ड वर्क. परिश्रम करूंगी मैं हार्ड वर्क करूंगी. सरकार से सरकार माने गवर्नमेंट. सरकार गवर्नमेंट गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप. देने का निवेदन. निवेदन माने रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट आपको मीनिंग पता नहीं है तो मीनिंग लिखना चाहिए. रिक्वेस्ट निवेदन मीनिंग ऑफ निवेदन. निवेदन रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट निवेदन माने रिक्वेस्ट. अगर बढ़ना है तो पढ़ना है वो भी अंडरलाइन करना चाहिए. मैंने बताया था फुल सेंटेंस अंडरलाइन करना. बढ़ना माने बढ़ना मीन्स टू मूव फॉरवर्ड टू ग्रो टू रीच हाई. ओके इफ यू वॉन्ट टू ग्रो क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए. देखिए तो चांद का कहना है. चांद माँ मैं परिश्रम करूंगी. माँ अम्मा आई विल डू माई बेस्ट. आई विल हार्ड वर्क करूंगी. मैं सरकार से छात्रवृत्ति देने का निवेदन करूंगी. मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी किसके लिए स्कॉलरशिप के लिए. आई विल रिक्वेस्ट फॉर दैट स्कॉलरशिप विल बी देयर फॉर दोज हु आर गुड इन स्टडीज. वेरी पुअर फैमिली है तो क्या है गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप है. सो आई विल रिक्वेस्ट फॉर दैट. अगर बढ़ना है तो पढ़ना है अम्मा. क्या करना चाहिए अगर हमको आगे बढ़ना है. इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड क्या करना चाहिए पढ़ना है. पढ़ना है. इफ यू आर स्टडिंग ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड. ओके अगर बढ़ना है तो पढ़ना है. बढ़ना माने मूविंग फॉरवर्ड टू रीच हाई. पढ़ना माने टू स्टडी टू लर्न. ओके यस मैम. एक और बात देखिए. माँ बेटी घर में खाना बनाने के लिए मैं रोज जंगल से लकड़ी लाती हूँ बाजार से बेचती हूँ. तो एवरीडे कुछ खाने के लिए एवरीडे जंगल में जाना चाहिए और लकड़ी कलेक्ट करना चाहिए. वो मार्केट में सेल भी करना चाहिए बेचना चाहिए. तो टू टाइम्स एक दिन टू टाइम्स खाना खाने के लिए
पैसा मिलेगा. देन फ्रॉम आपको उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? डू वन थिंग चांदिनी, क्या है? टिल 8th स्टैंडर्ड यू कैन स्टडी, दिस इज टू मच फॉर मी. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट लाइन. चांद का कहना, माँ मैं परिश्रम करूंगी, अम्मा आई विल डू माय बेस्ट, माय हार्ड वर्क करूंगी, सरकार से छात्रवृत्ति देने का निवेदन करूंगी, वो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुझे स्कॉलरशिप देना चाहिए. देन अगर बढ़ना है तो पढ़ना चाहिए. यदि हमें आपका जीवन में आगे बढ़ना है लाइफ में, क्या है, उच्च शिक्षा पर, उच्च पदवी पर रीच करना चाहिए तो हम पढ़ना चाहिए. If you are not doing anything, क्या करेगा? Ma'am, then we will fail and we will not reach our goal. Yes. So क्या करना? अगर बढ़ना है तो पढ़ना है. मन में रखिए these lines, okay? Okay. Moving to next paragraph. Ma'am, sorry. Ma, awak होकर बेटी की ओर देखती ही रह गई. Awak, please underline the word. स्पीचलेस होना. क्या है स्पीचलेस? नथिंग टू से आर बीइंग नो वर्ड्स टू से. यस, नो वर्ड्स टू से, जस्ट से. यस, स्पीचलेस होना. माँ अवाक होकर बेटी की ओर देखती ही रह गई. तो अम्मा ने क्या कर रही है? वो अम्मा स्पीचलेस हो गई एंड शी क्या है इसका मीनिंग? बेटी की ओर देखती थी रह गई. बेटी की ओर देखती थी, क्या है इसका मीनिंग? बेटी की ओर देखती रह गई माने क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? She was looking at her, right? For a long time. क्या है उन्हें speech या बातें करने के लिए कुछ नहीं है. She was looking at her. तितलियों के पीछे दौड़ने वाली, तितलियों माने butterflies. पीछे माने back behind. दौड़ने वाली, दौड़ने वाली रनिंग दौड़ने वाली उसकी बेटी her daughter अब now ऊंचे ऊंचे सपनों के पीछे higher dreams, bigger dreams, very big dreams के पीछे दौड़ रही थी. She is running behind her dream. Please underline these lines, बच्चों. First two lines नहीं है. First line right side से. तितलियों के पीछे वहां से that full line. तितलियों के पीछे दौड़ने वाली उसकी बेटी. तो एक छोटी लड़की है ना, 11 या 10 years में, तो छोटी है. तो वो तितलियों के पीछे दौड़ने वाली वो एज है, राइट? तो वो एज में वो किसके पीछे दौड़ रही है? अपने सपनों के पीछे. She's running behind her सपनों, dreams. Actually 10 years old किसके पीछे रन करने का टाइम है? तितलियों के या बटरफ्लाईज के पीछे, राइट? लेकिन वो 10 और 11 इयर्स वो लड़की ने किसके पीछे दौड़ रही है? मैम सपनों में. सपनों के पीछे. क्या है उसकी सपना? मैम बीइंग ए पुलिस ऑफिसर बनना. एक पुलिस ऑफिसर बनना उनका, उसका वो हमारा चांदनी का सपना है. तो उसके पीछे वो दौड़ रही. नेक्स्ट लाइन. जब से उसके पति की मृत्यु हो गई, पति माने हस्बैंड मृत्यु माने डेथ.
उसकी चिंता चांद की ही परवरिश, परवरिश माने केयर करना, प्रोटेक्ट करना, देखभाल करना. ओके सो व्हेन द डैड हमारा चांदनी की वो चांदनी का वो कहप्पा पापा वो फादर उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई. मृत्यु माने बाप पिता व्हाटएवर इट इज उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी अम्मा की चिंता की चिंता माने अम्मा ऑलवेज किसके बारे में वरीड है मैम चांदनी के बारे में. अगर अम्मा और अप्पा दोनों है तो नो प्रॉब्लम. ओके वो अप्पा की या बाप की मृत्यु हो गई, अप्पा नहीं है, पिता नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई तो आफ्टर दैट अम्मा की पूरी चिंता किसके बारे में है चांदनी के बारे में है. चांदनी बच्चों टाइम इज द फॉर रीडिंग यस वी कैन इट प्लीज नोट डाउन हियर. ओके प्लीज नोट इट बच्चों पर वरिष्ठ दी. ओके टिल द एक बार करना चाहिए. ओके मैम परवरिश मींस केयरिंग केयर करना, देखभाल करना, प्रोटेक्ट करना. म्यूट करके रखिए, म्यूट करके रखिए प्लीज ऑल ऑफ यू. ओके आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम गौतम कृष्णा. गौतम कृष्णा बेटा फर्स्ट पेज फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना चाहिए. फर्स्ट पेज फर्स्ट पैराग्राफ इन द हेडिंग ऑनवर्ड्स चांदनी. चांदनी उत्तराखंड में दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पर की दूरी पर का गोदाम से स्थित दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित कडो काट गोदाम से जब नैनीताल नैनीताल के लिए जाते हैं तो एक सड़क बीमा बुआली होते हुए मुक्तेश्वर की ओर मुड़ जाती है. बुआली और मुक्तेश्वर का बीच से लगभग 1000 की 800 मीटर की ऊंचाई पर enough. रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके आई जस्ट कंटिन्यू ऊंचाई पर यस मैम ऊंचाई पर चीड देवदार बांश कनियार आदि पेड़ों के घना जंगल के बीच एक छोटा सा गांव है रामगढ़.
सेब कुबानी नाशपाती और आलू बुखारा आदि फलों के बीज पल्लवित होते इस छोटी से गांव से ही रहती है चांदनी. कंटिन्यू बेटा. चांदनी चांदनी यानी चांद अब 10-11 वर्ष की ही थी तब उसने अखबार में डॉक्टर किरण बेदी का चित्र देखा था. थैंक यू. गुड. वाइजर कंटिन्यू. कक्षा में जब अध्यापक ने छात्रों को उनके बारे में बताया तो चांद का पुलिस में भर्ती होने का सपना और सुदृढ़ हो गया. घर लौटकर चांद ने जब अपनी माँ से अपनी इच्छा बताई तो माँ ने कहा चांद. थैंक यू. हैरिस कंटिन्यू. थैंक यू वैगा. चांद ऐसे सपने. ओ हैरिस दैट ऑडियो प्रॉब्लम इज ट्राई करो बेटा वन मोर टाइम. नो इट्स ओके विल कोड यू लेटर. गीतिका कंटिन्यू. चांद ऐसे सपने मत देखो तो असंभव है. आकाश की ऊंचाई छूने की कोशिश करना व्यर्थ है. चांद माँ तुम मुझे चांद बुलाती हो और आसमान की ऊंचाई छूने को मना करती हो. आखिर मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती. थैंक यू माँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू डियर ज़बा. नेक्स्ट पेज माँ. ओके मैम. माँ बेटी घर मैम गाना बनाने के लिए मैम रोज जंगल मैम लकड़ी लाती हूँ बाजार मैम बेचती हूँ. तब तो व्यक्ति की रोटी मुश्किल से जुट पाती है. तुम है अच्छा उच्च शिक्षा कहा से दिला पाओगी. तुम आठवीं कक्षा तक पढ़ लो. यही मेरे के लिए बहुत है माँ. ऑनलाइन कंटिन्यू. चांद माँ सेकेंड पैराग्राफ. मैम इच पेज नंबर द सेम. नाउ आई शेयर दिस पेज सेकेंड पेज. मैम पेज नंबर 7 राइट. यस मैम. यस मैम. माम अवाक नो नॉट दैट सेकेंड पैराग्राफ. That is third one. Second small one, right? Chand. Chand. Yes, ma'am. Chand, ma'am, main parishma karo. Parisram. Karungi. Sarkar se chatravruti. Chatravruti. Dene ka nivedan karungi. अगर बदना है तो पढ़ना है. अगर बढ़ना है तो पढ़ना तो पढ़ना है. माम हो कर बेटी की ओर देखती है. रह गई. तितलियों के पीछे ताई वाला उसकी बेटी अब ऊंचे अब सपनों के पीछे तोड़ रही थी. जब से
उसके उसके पति की मृत्यु हुई उसकी चिंता चांद को की ही परवरिश दी ओके बच्चों इनफ ओनली दैट वीड इज परफेक्ट थैंक यू आ देखिए बच्चों क्या है समुद्र सतह मैम सी सरफेस सरफेस यस क्या है ऊंचाई हाई हाई अखबार माने क्या है न्यूज़पेपर लाउट ना माने लाउट 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 ना मैम टू रिटर्न कोशिश माने टू टच क्या है असंभव इम्पॉसिबल सुदृढ़ माने क्या है सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग व्यर्थ माने यूज़लेस Then, बेचना माने to sell. बेचना माने to sell. मुश्किल माने hard. उच्च शिक्षा माने higher education. Education. Now okay. What is okay? Higher education. Higher education. Yes. Artvin Kaksha? Ma'am, 8th standard. 8th standard. Okay. Parisram Mane? Ma'am, hard work. Chhatravritti? Ma'am, scholarship. Scholarship. Yes. Badina Mane? Speechless. Ma'am, your net is slow. Next class we will meet you. Bye. Thank you, ma'am.